कर को। भगवान का नाम कैसा है? सूर्य की तरह है, अंधकार मिटाने वाला है, अग्नि की तरह पापों को जलाने वाला है, और चंद्रमा की तरह सबको शीतल करने वाला है। जो भगवान का नाम लेंगे उनका क्रोध खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वह बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा। इसलिए नित्य भगवत नाम उच्चारण करो। जो राम जी के परम भक्त हैं, राम का भगत तो सबको होना ही चाहिए। तो ये भुसुंडी रामायण में जो राम सहस्र नामावली का वर्णन किया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने बहुत रामायणें पढ़ी हैं भगवान की कृपा से, ऐसी भी अभी मैं बहुत रामायण पढ़े बैठा हूँ जिनकी अभी मैं कथा व्यासपीठ से नहीं कह पाया हूँ, लेकिन मुझे प्रभु राम जी की नाम सहस्रावली भुसुंडी रामायण के अंतर्गत बड़ी अद्भुत लगी है, बहुत आनंद आ गया। ये कथा कहते कहते गुरुदेव वशिष्ठ की आंख में आंसू आ गए और कहा, राजन तुम बड़े बड़भागी हो, जैसे तुम्हारे पुत्र के हजार नाम हैं, तुम्हारे घर में जो पुत्र वधु आएगी उसके भी हजार ही नाम होंगे, वो भी हजार नाम वाली होगी। अभी मिथिला नरेश कहीं आसपास भी नहीं है, साधु कितना त्रिकालदर्शी होता है। इस गुरु को देखिए, भगवान की उम्र अभी सिर्फ 13 दिन की है, राम 13 दिन के हैं। भुसुंडी रामायण में जब प्रभु श्री राम जी की अवस्था सिर्फ 13 दिन की थी, उस समय माता जानकी के साथ पढ़ने वाली राम जी की भांवरें और जो गृहिणी इनकी बनने वाली है, उस देवी के हजार नाम इस गुरुदेव ने प्रभु श्री राम जी के नाम संस्कार के समय पर ही सुना दिए। मिथिला की बेटी के नाम, धनुष कब टूटा, कब जाकर के विवाह हुआ, वो तो बहुत बाद की बात थी। प्रणाम है ऐसे गुरुदेव को जो राम का नाम संस्कार कर रहे थे। आंख में आंसू आ गए और कहा, राजन तुम बड़े बड़भाग्य हो, भाग्यशाली हो, तुम्हारे घर में जो पुत्र वधु आएगी वो साक्षात आदिशक्ति होगी, वो पराम्बा रूप होगी, तुम्हारे पुत्र के हजार नाम हैं तो तुम्हारी पुत्र वधु के भी हजार नाम होंगे। गुरुदेव वशिष्ठ की सुंदर शब्द सुनकर राजा दशरथ की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव यदि इसका अधिकारी मैं हूँ तो मेरे पुत्र का विवाह जिस कन्या के साथ में हो और उसके भी आप मुझे नाम सुना देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। अब घड़ी का कांटा 2:30 पर चल रहा है, तो माता जानकी के भी हजार नाम जो गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम जी के नाम संस्कार के समय पर सुनाए हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम सहजा, दूसरा नंदिनी, इसके आगे के जो नाम हैं वो मैं कल ही आपके बीच में उनको संप्रेषित करूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है, हर रोज कथा एक आनंद दे रही है। रामचरितमानस आप सुनते हैं लेकिन ये कथा उससे बिल्कुल हट करके है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, संत महापुरुषों ने भगवान के चरित्रों को बड़े अनंत रूप से गाया। जितना भी राम का चरित्र सुनते हैं उसमें आनंद का तो अनुभव होता ही है, बहुत अच्छा लगता है।